एंड जेंटलमैन, क्या हाल है आप सब लोगों के? मैं हूँ आपका अपना अनीश बिष्ट और वेलकम टू आर न्यू व्लॉग ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम शिमला टू जम्मू एंड कश्मीर। आज हम यहाँ से ड्राइव करके शिमला से जाने वाले हैं। तारीख है 23 मार्च 2024, सवेरे के 7 बज चुके हैं। ड्राइव करके हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से सीधे आज पटनी टॉप तक। हमारा रूट रहेगा बिलासपुर उधमपुर होते हुए पटनी टॉप में शाम को स्टे है। मेरे साथ है और 3 बंदे, जोशी है, अक्षय है और आशु है। मैं थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उनसे। अभी हम हैं अक्षय के फ्लैट में। आशु, आशु आप बाथरूम में जी। जोशी है, जोशी भाई सवेरे सवेरे मैगी बना के तैयार। पैकिंग वैकिंग होगी ऑलरेडी ना? हाँ अक्षय, अक्षय ना आया अभी तक? अक्षय ना आया नहीं है। अच्छा, ये अक्षय का बहुत अच्छा प्यारा सा घर है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसका विजुअल। थोड़ा सा हमने मैस कर रखा है तो अक्षय थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से और बी विद ऑल ऑफ अस इन द होल जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कार उसमें जाने वाले अक्षय के भेजा। चलो भाई लड़को, मिलेंगे 27 को। ठीक है जीजू, मिलते हैं फिर। अरे बैठो बैठो, बस आ गई। ओए बस आ गई। ओए ये क्या चीज़ है, इसको हटा। तो भाइयों शुरू करते हैं जर्नी। अक्षय गाड़ी चला रहा है फिलहाल के लिए अभी और भाई गाने लगाना शुरू कर दिया अभी इसने। ये आशु है जिससे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था घर के अंदर। ये तब नहा रहा था बाथरूम के अंदर। क्या कर रहा था? नंगा आदमी नहा रहा था। ठीक है, नहा ही रहा था। जोशी पीछे सेटल है ना? सही एकदम मजे में है। चले सेटल है ना? पक्का? ठीक है फिर तो निकलते हैं भाई। थोड़ी देर के बाद कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे और मजे करेंगे। क्या लगाया तूने? क्या है, क्या ये है? ये एफएम चल रहा है। ट्रैफिक लगा हुआ यार शिमला में। एफएम चल रहा है। हां, आगे में मोती अविन तो नहीं हो भाई? हम लोग ना ट्रैफिक से बाहर आ गए शिमला के। अब एकदम क्लीन वाला पहाड़, एकदम क्लीन, काफी फ्री होके गाड़ी चल रही है, तेज चल रही है। 1 minute later आशु की तबीयत खराब होगी भाई। मैं पीछे बैठूं? आशु तू आगे बैठ भाई, आशु की तबीयत खराब होगी। बस करो भैया। आशु आशु उल्टी करके कैसा लग रहा है? आशु बस करो भैया, ये सीट कर दो थोड़ी सी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे आ भाई, ये सामान कितना कुछ है भाई? ये फोन किसका है? आशु फोन मेरा। अरे मतलब तू इसी बोतल का ही है कि आगे बैठेगा, ऐसा पूछ रहा हूं। आगे बहुत दिक्कत है तेरी। ओए पीछे तो बहुत मुश्किल है। बैठो बैठो, ट्रक बैठ गए भाई। चलो चलो चलो। मैं अभी ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा हमने ना ये भी लिया है कुकिंग करने के लिए। अगर ये काम आएगा तो मुझे नहीं लगता काम आएगा कि नहीं आएगा। क्या लगता है? आएगा भैया, आएगा काम आएगा। दवाइयाँ खाएगा कि ब्रेकफास्ट में दवाइयाँ खाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे तो। आएगा, काम आएगा। इतने तो दादाजी के पास भी नहीं होती थी। हाँ ना, ये बंदा अभी भी नशे में। अपनी वाली अटैक की खुली रखी है, फिर डिक्की बार बार गाड़ी लॉक की लगी है नहीं लगी। गाड़ी लॉक की, गाड़ी लॉक की अपनी वाली टाकी खुली रखी है, बोले बंद क्यों नहीं हो रही। आप ही थे जो हाथ ऐसे निकाल के सही बात है साफ कर रहे थे भाई। छोटा हो गया? भीम छोटा भीम 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 सारे दो भैंसों का दूध पिलाती है मेरी। तो भाई ब्रेकफास्ट डन हो चुका है, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। मेरा ना गला थोड़ा ज्यादा खराब हो गया आज। गला खराब नहीं होता ना तो सही था सीन, बोला ही नहीं जा रहा है कुछ भाई। लेकिन पता ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ और कोई और ड्राइव कर रहा है, अक्षय। वो भी अक्षय, अक्षय मेरी आंखों के सामने ड्राइविंग सीखा होगा कभी किसी ज़माने में, है भाई? मैं सीखा था 2011 भाई। 2011 तक ना मेरे ना 20-25 हज़ार किलोमीटर ड्राइव के पूरे हो गए थे।
भाई मतलब अच्छा चला रहा है, थोड़ा तेज चला रहा है लड़का। आशु को थोड़ी दिक्कत हो रही है आशु? ऐसा भी नहीं है, आशु मुकर रहा है, मुकर रहा है अपनी बात से, भी नहीं है। मुकर रहा है साला वो ऐसी ही होगी थी। सबूतों के आधार पे मैंने जो वीडियो लिए ना इसके सबूतों के आधार पे, सबूत अगर ना हो ना तो गवाह पलट जाते हैं भाई। भाई आशु उल्टी करते हुए वीडियो ले लो भाई, मैं बता रहा हूँ। कोई नहीं, इस पर ये मुकदमा चलाएंगे हम, फिर देखेंगे क्या आता है। एक ट्रैफिक में फंस गए हैं अभी, बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम है। हम कहाँ है भैया, जोशी जगह कौन सी है भाई? है हम पहुंच गए हैं श्री आनंदपुर साहिब, और ट्रैफिक जाम इतना बड़ा है, हम कम से कम 10 मिनट में ना 10-20 मिनट से ऐसे ही फंसे हुए हैं। ये देखो बाहर अगर आपको दिख पा रहा है तो, ये देखो, और चारों ओर ना चारों ओर हट्टे कट्टे तगड़े गबरू नौजवान एकदम सरदार, सारे के सारे एकदम तगड़े लंगर खा रहे हैं। कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है बढ़िया, कहीं वो पीने के लिए दे रहे हैं बढ़िया, आपको प्यास लग रही है तो कहीं लंगर लगा हुआ है भाई, और खेत एकदम तगड़े हरे हरे लहलाते खेत भाई, बहुत सुंदर जगह है जहाँ भी हमें। बस ये ट्रैफिक से निकले तो आगे बढ़े, ट्रैफिक से निकालने के लिए एक तो अक्षय के पास ना इसके गाड़ी में ना वो ये वाला गियर नहीं है जो ऊपर जाती है और हवा में चलती है, हेलीकॉप्टर हम जमीन पे ही चला रहे हैं तब से इस गाड़ी को। बड़ी 12 बड़ी गलती हो रही है हमसे। A few hours later, एक घंटा लग गया भाई निकलते निकलते, ऐसा लग रहा है एक घंटा हुआ है हमको भाई, हुआ है एक घंटा हो गया ट्रैफिक जाम में भाई, हुआ है। अभी भी हम पूरी तरह से निकले नहीं है और मैं तो ऐसा फैल के बैठ गया हूँ, ये देखो हाँ 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 बढ़िया स्ट्रेच करके भाई। तू चला अक्षय, टेंशन मत ले, पुलिस वालों से और इनसे हमको पूरा प्रोटेक्शन है, तू चलाते रहे। Guys, we are crossing the Bhakra Nangal Dam. वहाँ देख सकते हैं आप सब लोग। India's biggest dam और सबसे पहला डैम भी है इंडिया का। भाकरा नांगल जब डैम बन रहा था तो किन्हीं बोला था कि एनर्जी इधर जा रहा है, इधर इधर गोल घुमा गोल घुमा गोल घुमा गोल घुमा। ये ऐसा ड्राइवर है ना हमारे पास, एक नंबर का चतरा, गोल घुमा गोल घुमा। क्या नहीं है काय जल्दी देख, वो उसी वाले रास्ते में वो देख वहां जा जा, वो ग्रे कार गई जा, ग्रे कार गई जा, ग्रे कार गई, वो ब्राउन कार गई। मैंने ऊना देखा यार, पंजाब वाली गाड़ी जा रही है, पंजाब पुलिस यही है ना। हां ये इधर राइट, मैंने कोल्ड कॉफी फिर, और साथ में मैंने सोचा कि मैगी खाने का मन कर रहा था, वो मैगी भी नहीं। भाई बहुत देर से बैठे हैं, कोई बात कर रहा है, कोई मैप चला रहा है, और ट्रैफिक अभी हम ऊना में है। अच्छा यार, थोड़ी देर मैंने खाना खाते है कसम से, अब भूख लग रही है भाई, जल्दी ले लो कहीं हम ना दोपहर का खाना खाते हैं। दोपहर का खाना जैसलमेर, सवेरे से 6 घंटे हो गए हमको गाड़ी चलाते चलाते, बीच में लौंडे बोले कि चलो यार भैया खाना खाते हैं, लंच करने के लिए उतरते हैं। मैंने नहीं बोला इनको, मुझे उतनी भूख नहीं लगी थी, पर ये लड़कों को लगी। मैंने बोला चलो तो अभी बस खाना खाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। मुझे लगता है खाना क्या, अब तो बस 20-30 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। मैप्स फिर भी दिखा रहा है कि भाई 4 घंटे या 6 घंटे और लगेंगे हमको, 6 घंटे तो लगेंगे, बीच में कंजेशन है ट्रैफिक का। देखते हैं कुछ खाते हैं पहले यार। लंच हमारा हो गया है, ऊना से आगे हम कहीं रुके थे और वहाँ पे हमने अभी अभी लंच किया है, एंड बस अब यहाँ से अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अक्षय बहुत देर से ड्राइव कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि अक्षय से ड्राइविंग कर अपने हाथ में ड्राइविंग व्हील ले लूँ और ड्राइव करना शुरू करूँ, बट देखते हैं अगर उसको कंफर्टेबल है तो लेट हिम ड्राइव, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें आदत थोड़ी ऐसी है कि जब ड्राइव कर रहे होते ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पीछे बैठना या साइड में बैठना बड़ा बोर सा होता है कि क्या करें भाई बैठे बैठे। तो लेट्स सी आगे की कंटिन्यू जर्नी होगी अभी बीवेदास, आज शाम को पटनी टॉप पहुँचना है, वहाँ पे स्टे है।
6:14 हो गया, हम लोग कितने किलोमीटर से जर्नी कर लिए लगभग? मेरे को लगता है भैया 300 ही करी होगी अब तक हमने, 300 साढ़े 300, ज्यादा से मेरे को लगता है 400 किलोमीटर हो चुके हैं, है ना, 400 किलोमीटर हो चुके हैं। शाम ढलने वाली है, सनसेट होने वाला है अभी, और अभी हमको जाम लग गया इधर फिर से। हम अभी तक जम्मू कश्मीर में एंटर कर चुके हैं, पर पटनी टॉप पहुंचने के लिए मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटा और लगेगा। नहीं मेरे को ऐसा फील, 3 ले खत्म फीलिंग ही खत्म हो गई अब तो गाड़ी चलाने की, ऐसा लग रहा है इतना जाम भाई किस बात का जाम है मेरा तो समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। 6:30 हो गया, 7:30, 8:30, 9 किससे बात कर रहे हैं। A few hours later भाई फिर से जाम लग गया बहुत बुरी तरह से। लेके क्या भाई क्या बोला, आगे से ट्रक फंसा है। ट्रक फंसा मतलब क्या एक्सीडेंट हुआ ट्रक? नहीं वो इधर, अच्छा, इधर आ रहा है नीचे को, हाँ तभी कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा था ऊपर से। अरे यार A few hours later भाई कितने घंटे हो गए ड्राइव करते करते? सुबह हम चले थे 7:30 बजे, 7:30 बजे से बाद हमने अभी बज रहे हैं 40 मिनट की ब्रेक ली थी, फिर हम मोटा मोटी बताएं तो 13.5 घंटे हो गए, 7:30 बजे से अभी 9:30 हो गए लगभग, ज़्यादा हो गया मतलब 12 घंटे तो ड्राइव हुआ है, 12 तो फिक्स हुआ है ब्रेक लेके साइड किया जाए तो। गर्दन जाम हो गई है, शरीर ही जाम हो गया वैसे तो, पर ठीक है आज हमने डिसाइड किया था कि भाई इतना ड्राइव करेंगे ताकि कल से हम आराम से सब इन्जॉय कर सकें। हाँ कि नहीं भाई, अभी खाने में बिरयानी खा के एकदम सेट है, अब यहाँ से सीधे पटनी टॉप जहाँ होटल है, शांति से नींद और सवेरे उठेंगे फिर, है कि नहीं? कल का नया दिन शुरू करेंगे एक और एपिसोड में आपके साथ भाई। फाइनली डोगरा रेजिडेंसी, यहाँ आज रात का हमारा स्टे है। देखना बाहर में कितना चार बेड कितना है, योशी को बता भाई डिटेल। योशी ठंड तो है हल्की हल्की। दिस इज द रूम, एक दो रूम किए हमने, दिस इज द सेकंड रूम। ओहो सही है भाई, चार लड़के, वॉश रूम दिस साइड, अभी लाइट ऑफ है। ओके हियर वी गो, ऑल कूल। कच्चा जैकेट आ गया भाई, क्या है जाना भाई, हे हिम्मत, हे हिम्मत ओए, हे हिम्मत लड़के भाई। लॉक ऑन करके खोल लिया, कर तो दिया यार, अब देख जा, अब जाता हूं 2 मिनट को, जा कर हिम्मत। क्या हुआ, नहीं है हिम्मत है भाई, ओए इस करे हो गया, बंद कर दे चलते। अबे थोड़ी देर में तुम दोनों भूल भाई, चुड्डे में घूम रहे यार जोशी, भूला। तो दोस्तों आज का दिन यही खत्म होता है हमारा, आज मैं और अक्षय यहाँ सोने वाले और अपने दो लड़के उस रूम में, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। तो हम लोग यहाँ सोने वाले, सवेरे उठ के कल पटनी टॉप घूमेंगे थोड़ा, उसके बाद निकलेंगे कश्मीर की ओर, देखते हैं क्या क्या होता है कल के शेड्यूल में, कल ही बताऊँगा। तो मिलते हैं कल, गुड नाइट।